नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मेहंदी घाट पर 38 वर्षीय युवक की ड्यूटी से हुई मौत, बॉडी अभी तक नहीं मिली, गोताखोर लगी। कन्नौज शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित मां देवी घाट पर हरदोई जिले का मलावा के गांव जयपुर का रहने वाला सुबोध अपनी ससुराल आया हुआ था। वहां से कन्नौज की मेहंदी घाट पर सुबह 9:30 बजे नहाने आया। पानी का बहुत तेज होने की वजह से कटान व जिस सेवा गंगा में डूब गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस प्रशासन लगातार बॉडी को ढूंढने में इटावा हो, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं मिली। कन्नौज से जिला ब्यूरो चीफ शिबू सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तस्फाक प्रधान है। क्या हुआ था, आपका भाई किस तरीके से डूबा? ये सुबह नहाने आए थे, उसके बाद उधर नहाने गए, पहाड़ी पट्टी या कैसे हुआ डूब गए। अभी तक कोई क्लास नहीं मिल पा रही। कितना समय उनको हो गया? ये 9:30 बजे के लग बात क्या है। हाँ, सूचना कैसे मिली थी आपको? सूचना उसके साथ साले थे, उन्होंने फ़ोन किया कि भैया डूब गए हैं, जीजा डूब गए हैं। तो फिर हम लोग आए, पूरा परिवार, पूरा गांव लगभग आया हमारे। कहाँ रहते हैं? हम जेदीपुर रहते हैं। जिला हरदोई पड़ता है। यहाँ क्या करने आए? यहाँ नहाने आए थे, हमेशा गंगा नहाते थे काफ़ी समय से। जी प्रशासन SDM साहब आए थे और CO साहब भी आए थे, हम लोगों ने बताया पूरी ये बात की। डेड बॉडी अभी मिली कि अभी नहीं मिली? पूरा प्रयास कर रहे हैं लोग, दुर्गा जी लगातार बेचारे लगे हैं, ये सब गोताखोर लोग खोल रहे हैं। पूरी टीम नाम था उनका? सुबोध कुमार नाम था जी। 38-40 साल था साहब। क्या करते थे? तो खेती किसानी करते थे साहब। बच्चे हैं? हाँ, 3 बिटियाँ हैं, 1 लड़का है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।